तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रेसिंग अवतार पर। दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके, तो आज हम बात करेंगे माइनक्राफ्ट के बारे में। तो माइनक्राफ्ट की हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है एवरीथिंग अबाउट माइनक्राफ्ट। तो इस सीरीज तक मैंने माइनक्राफ्ट के बहुत सारे वीडियो बनाए, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं ना तो प्राइवेट बटन में आपको लिंक मिल जाएगा उस सभी वीडियोज का। तो मैं एक प्ले लिस्ट जोड़ दूंगा, तो आप उन सबको देख लीजिए और माइनक्राफ्ट में अपडेटेड रहिए यार। तो इसके पिछले वाले पार्ट्स की मैं बात करूँ तो उसमें मैं यार जंगल में गया था, आप सभी को पता होगा। और नहीं पता तो उस वाले वीडियो को देख लीजिए। तो हमने बहुत सारा एडवेंचर किया था उस वाले वीडियो में। तो मैं बिल्कुल समुद्र के पास चला गया था, लेकिन यार मैं वहाँ से अपने घर वापस आ गया। उसमें काफ़ी दूर निकल गया था, लेकिन मैं वहाँ से वापस आ गया क्योंकि मेरे पास वो चीज़ें नहीं थी ना यार, पोषण नहीं थे मेरे पास समुद्र में जाने के लिए। तो मैं नहीं जा पाया समुद्र में। तो बाद में हम पोस्टर बनाएंगे, उसके बाद समुद्र में जाएंगे यार। तो अगर बात करूँ आज के वीडियो के बारे में, तो आज का वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन इतना बड़ा वीडियो नहीं है। तो आज हम देखेंगे जो कॉल्ड्रन होता है ना, उसका क्या यूज़ है माइनक्राफ्ट में। तो आपको जैसे ही आप क्राफ्टिंग टेबल पर जाओगे ना, तो आपको जाना है फर्स्ट सेकेंड और इसको मैंने यहाँ से बना लेता हूँ। तो ये मैंने बना लिया है। तो इसका क्या यूज़ है माइनक्राफ्ट में, तो आपने इसको बहुत बार देखा होगा यार, लेकिन इसका यूज़ शायद नहीं पता होगा। तो इसका यूज़ है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बना रखे है, पहले से ही दो यहाँ पे रखे हैं। तो इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ मैं एक बार इसको रख देता हूँ फिर बताता हूँ। तो मैं इसको कहाँ पर रखूँ, तो मैं इसको इधर रख देता हूँ यार। तो इधर भी एक रखा हुआ है पहले से ही, तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। तो इसका यूज़ क्या है, मतलब इसमें आप पानी भर सकते हो यार। तो एक बकेट इसमें डाल के पानी भर सकते हो, या फिर आप इसको खुले में रख दो ना, तो बारिश होगी ना, बारिश रेन होगी तब ये ऑटोमेटिक ही भर जाएगा। तो ये मतलब आपको क्या उपलब्ध करा सकता है, मतलब आपको पानी उपलब्ध करा सकता है यार, मतलब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है पानी लेने के लिए, क्योंकि आप जब पोषण बनाओगे ना तो उसमें आपके पानी की ज़रूरत होती है यार। और तो ये कोल्डर होता है ना, तो ये एक साथ तीन बोतल होता है ना, बोतल, तो एक साथ तीन बोतल का पानी आपको दे सकता है। यहाँ से मैं एक बोतल भर लेता हूँ यार। तो एक तो यहाँ से मैं बहुत सारी बोतल बना लिया, मैंने छह बोतल बन गई। तो एक बार मैं इसको भर के देखता हूँ, मतलब कितने पानी कितनी बोतल इससे हम भर सकते हैं यार। तो एक बार देखते भर के, तो ये वाला भरा हुआ है, आप देख सकते हो इसमें पानी है, तो इससे भरते यार। तो ये हो गया एक, हो गया ये, हो गया दो, हो गया और ये तीन हो गया, मतलब तीन बोतल इससे भर सकते हो। आप देख सकते हो तीन बोतल मेरी भर गई, एक ये रही, दो नीचे है, तो तीन बोतल भर गई है। तो जो बोतल है ना उसका पानी आप इसमें फिर से डाल सकते हो, बोतल को एक बार क्लिक करके फिर से आप पानी उसमें डाल सकते हो। तो इस तरह से आप बोतल का पानी इसमें ले सकते हो और उसको आप पोषण बनाने के यूज़ कर सकते हो, आपको बाहर से पानी लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बात नहीं है कि आप पोषण बनाने के लिए इस वाले पानी को ही लो, आप किधर से भी पानी ला सकते हो, लेकिन मान लो आपके पास कोई पानी पानी नहीं हो तो उसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो आप, बस इसलिए है ये। तो एक बच्ची जब आप सभी को दिखा दो, तो ये देखो आप देख सकते हो, तो ये वाले मैं समुद्र में गया था, वहाँ से मैं ये सब लेके आया हूँ यार। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, तभी बड़े हो जाएंगे तभी इसका असली यूज़ समझ में आएगा, तो अभी तो रहने देते यार। तो ये रहा पानी, तो मैं यही सभी पानी भर सकता हूँ इसमें। तो देखो ये सब ऐसे करके मैं इसमें पानी भर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप कॉल्ड्रोन से ही पानी भरो, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है अगर आपको इसको खुले में रखना चाहिए। तो मैं आप देख सकते हो तो इसको खुले में रख रखा है मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको इसलिए रख रखा हूँ क्योंकि इसमें जब भी बारिश होगी ना तो इसके अंदर पानी ऑटोमेटिकली भर जाएगा यार। तो ऐसा करके आप इसमें पानी भर सकते हो। तो इसको मैं कहाँ पर रखूँ, ये वाली चेस्ट तो फुल आती है खाली है, तो मैं इस वाले बोतल को इसमें रख देता हूँ, क्योंकि जब मैं पोषण बनाऊँगा ना तो ये सब चीज़ें मेरे काम आएगी यार। और ग्लास को भी इसमें रख देता हूँ, आयरन इनगोट को भी इसमें रख देता हूँ। तो आज का वीडियो यही था। तो आप कोल्ड्रोन जरूर बना के रखिए विलेज में, उसको बाहर रखिए यार, अंदर रखने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग इसको बना के अंदर रख लेते हैं, तो अंदर रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, आपको इसको बाहर ही रखना चाहिए ताकि इसमें पानी भर जाए ऑटोमेटिक, तो बारिश होना तब पानी इसमें भर जाए, तो इसको बाहर रखने में ही फ़ायदा है। तो मैं ऐसा करता हूँ वीडियो सभी को पसंद आया होगा, और पसंद नहीं आया तो यार नीचे कमेंट करना कि वीडियो में क्या मिस्टेक, मतलब क्या कमी रहेगी कि आप सभी को पसंद नहीं आया। तो मैं मिलूँगा आपको सही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।